मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं ट्विंस बेबी मॉमी इन वाराणसी। मैं हूँ रंजना, जहाँ मैं अपलोड करती हूँ अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंस बेबी मॉमी इन वाराणसी। सो फ्रेंड्स, बच्चों की मालिश मैंने कर दी थी तो वो अभी है ऊपर पापा के साथ अपने छत पे। तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले जितने भी कमरे हैं उन सबके बिस्तर ठीक कर दूँ, ताकि वो लोग आ जाते हैं तो फिर बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाता है अच्छे से। और बिस्तर वगैरह ठीक हो जाता है एक बार तो ऐसा लगता है कि घर 50% तो हो ही गया है क्लीन। और सारी खिड़कियाँ मैं इस समय खोल देती हूँ ताकि अच्छे से रोशनी आए, धूप आए। और चाची भी आ गई हैं तो वो भी अपना काम कर रही हैं। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में, इसको भी ठीक करूँगी। इस वाले रज़ाई का मैंने कवर धोया था तो अभी नहीं चढ़ पाया था, तो मैंने सोचा कि आज इसको चढ़ा देती हूँ। चाची से मैंने मदद ली थोड़ी, मुझसे नहीं हो पा रहा था, बहुत हैवी है ये तो अकेले करना मुश्किल होता है। और मैं आ गई हूँ बेस रूम में, बेड पे पड़े जो भी इधर उधर छोटे मोटे सामान हैं वो मैं सबसे पहले हटा दिया। और अब ये बेडशीट थोड़ा सा मुझे ठीक है, थोड़ा बहुत गंदा है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको झाड़ के ऐसे ही पलट के बिछा दिया। ये रूम ऐसे हम लोग कम यूज करते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग अपने रूम में ही रहते हैं क्योंकि वो रूम अगर ठीक लगता है बच्चों के हिसाब से, वरना बच्चे बहुत चीज़ें फैलाते हैं जो भी उनकी पहुंच तक होती है। और इसकी खिड़की पता नहीं खुलने देती। काम मैंने निपटा लिया, किचन का भी काम चल रहा है साथ ही साथ, और मैं जा रही हूँ नहाने। हर चीज़ें समय से हैं, आज तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के किचन में और अब मैं करूँगी अपने काम जो छोड़ के गई थी मैं। तो इस समय जब मैं यहाँ आती हूँ तब तक मेरा दूध बॉयल हो चुका होता है, दाल पक चुकी होती है, तो उसके आगे का काम मुझे करना रहता है। और देखिए लाडो आते ही मेरे पास और मैंने उसको प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया तो बिल्कुल खुश हो गई है। इस समय पे सबसे पहले मैं चीज़ें सही जगह पे रखती हूँ, सब्जियाँ वगैरह और जो मुझे काटनी होती है वो रखती हूँ तो निकाल के बाहर, और जो मुझे नहीं अभी यूज करनी है उसको सही ढंग से अरेंज करके फ्रिज में रखती हूँ, या फ्रिज से बाहर जो रखनी होती है उसे बाहर रखती हूँ। और चाची अभी जा चुकी होती हैं इस टाइम पे, तो वो बर्तन वगैरह जो धुल के हो जाती हैं वो सारे मुझे लगाने होते हैं, तो वो मैं लगाती हूँ। पूरा प्लेटफॉर्म एक बार अच्छे से साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं काम करना शुरू करती हूँ ताकि चीज़ें फैले कम। बीच बीच में अगर आप किचन को अपने क्लीन करते रहते हैं तो उतनी गंदगी नहीं फैलती है। अगर आप सोचोगे कि पूरा एक साथ करूँगी तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, जब मैं सोचती हूँ कि नहीं पहले मैं कर लूँ काम, खाना वगैरह बना लूँ उसके बाद क्लीन करूँगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली रहती हैं। तो अभी मैं सबसे पहले फूड काटूँगी अपने लिए, उसके बाद फूड खाऊँगी, उसके बाद मैं काटूँगी सब्जियाँ जो आज बनेंगी। तो मैं बना रही हूँ भरता बैंगन का साथ, तो उसी की तैयारी चल रही है। और ये सारी चीज़ें मैं कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के नमक डाल के रख देती हूँ तो हो जाती है अच्छे से, और फिर मैश करके मैं चोखा बनाती हूँ। राम को लाडो की स्कर्ट पहना दिया तो कैसा लग रहा है वो, ये लोग अब खेल रहे हैं और थोड़ी देर बाद सो भी जाएंगे, वैसे इनका टाइम हो चुका है सोने का। शाम हो गई है तो महादेव की डिमांड थी तो आज मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न उसके लिए। ऐसे ये कुकर में ही बन जाते हैं फटाफट से। राधा देखो मैं क्या बनाई हूँ आपके लिए। नहीं है।
फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ फ्राइड राइस। बाकी खाना तो बन चुका है पर महादेव का मन था तो मैंने सोचा बनाती हूँ। और इधर आके देखिए कैमरा देखते एक्सप्रेशन बदल गया ना बेटा। बार ऐसी बार तो बोली कि चलो मैं चली जाऊंगी ससुरे कभी नहीं आऊंगी। नहीं जाने दो तब राधा, जब तुम कुछ गलत करोगी मैं तुमको डांटूंगी तो तुम बोलोगी कि मैं ससुरे चली जाऊंगी। तो कोई बात नहीं जाओ ससुरे, मैं महादेव को खाना बनाना सिखाऊंगी। रात को उसको सिखाऊंगी खाना बनाने। रात को सुबह हो जाएगा आपको आपको नहीं आता है। जान तो तुम ससुरे ना होगी ना। अरे जो बोले वो करो, जब वो करो तीता जो करो तीता वो ही करो थी। कैसे जाओगी ससुरे? अपने बाइक से बाबूसा। बाबूसा जाओगी ससुरे बाइक से? ठीक है तब जाना। कब महादेव खा रहे हैं खाना और टीवी भी देख रहे हैं और लाडो भी हैं साथ में टीवी देख रहे हैं। इनके मौसा गए थे शादी में तो वो भी अब आ गए हैं, लेट काफ़ी हो गया था उनको आने में। और अब मैं भी जाऊंगी सोने, इन्हीं का वेट कर रही थी। गेट वगैरह खोलना पड़ता है बंद करना पड़ता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंस बेबी मॉम इन वाराणसी। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, हर हर महादेव।